हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक तो पहले हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि आपके मन में अब क्या, अभी क्या चल रहा है? आप उनके घटक दल के एक जो है सहयोगी हैं, तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो अभी NDA के नेता चुने जाने पर बधाई देने आया था और सरकार किया, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हमारे तरफ से, सात पार्टी मछुआरों के तरफ से बहुत बहुत बधाई उन्हें देता हूँ। और NDA के साथ मैं इसीलिए आया ही था कि प्रधानमंत्री को फिर से, मतलब मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जा सके, क्योंकि 70 साल तक इस मछुआरों को, कभी त्रेता में भगवान राम ने चिंता की थी, गले लगाया था, और इस युग में अगर किसी ने मछुआरों की चिंता की तो मोदी जी ने चिंता की, और उनके लिए विशेष एक मंत्रालय ही अलग किया, पैकेज भी दिया। 67 साल में कांग्रेस ने केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया, इन्होंने 41,500 तमाम योजनाएं बनाई, और एक निषाद के घर चाय पिया और दर्द देखा, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाया, निषाद राज के किले को पैर। तो किसी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, और तीनों उन्होंने शुरू की है। तो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसने समाज में पैदा हुआ एक निषाद राज के वंशज के बेटे को इस युग में उन्होंने गले लगाया, तो इसलिए बहुत खुशी है और मैं बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी आपको उत्तर प्रदेश में क्या चुनौतियाँ लग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीटों में कमी आई है, मैं समझता हूँ कि घटक दल के नाते आप भी सोच रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या किए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि अभी राजनीति बड़ी है, 2027 में आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये सोचने और समझने की बात है। आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ कमियाँ रह गई थी जिसकी वजह से जो है ये पराजय हुई? देखिए, हम लोग तो घटक दल हैं और एक सहयोगी दल, हम सहयोग करने के लिए हैं, और हम अपनी समीक्षा करेंगे और जो कमी रहेगी उसे सुधार करेंगे, और उसमें कोई अगर पार्टी का कोई भी चेहरा होगा, अगर उसने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा और संगठन के खिलाफ काम किया, उसको खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और नई टीम के साथ, नए जोश के साथ हम लोग अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे, और आगे 2027 भी जीतेंगे और सत्ता के साथ रहे। पहले भी मैं NDA के साथ था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। बस इतने कहूँगा कि निश्चित रूप से जो कोई भी पार्टी को अगर भारत माँ की जय कहता और पार्टी को माँ कहता, तो निश्चित रूप से उसको अंतिम तक माँ के रूप में ही उसे देखना चाहिए। लेकिन हमें लगा कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो मंचों पर तो कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, लेकिन अवसर पड़ने पर लगता है कि माँ के साथ भी गद्दार है। वैसे माँ के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भाजपा को करनी चाहिए, आपको लगता है? उससे करनी चाहिए, हम तो अपने यहाँ करेंगे, और भाजपा को भी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो भी हार हुई, क्योंकि भरोसा एक संगठन होता है और एक जिम्मेदारी है, राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है, और जिस जमीन से खुद की खेती करनी हो, जहाँ आज के दिन मोदी की खेती हो रही थी, तो उसमें अगर आप राउंड अप डालेंगे तो कल अपनी खेती कहाँ से करेंगे, खराब करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे बहुत लोग हैं, और हम लोग तो भाई मस्त और व्यस्त रहते हैं, और आगे भी, चूँकि हमारे पास एक सेना निषाद है। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश खन्ना जी हैं, जो यूपी के कद्दावर नेता भी हैं और इस वक्त यूपी सदन में मौजूद है और अब शपथ ग्रहण के लिए निकल रहे हैं। सर, क्योंकि आज मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे PM के तौर पे, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सुखद समाचार है कि NDA की सरकार तीसरी बार आज शपथ लेने जा रही है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पहले से ही, जैसा कि वो बता चुके हैं, कि 100 दिन का एजेंडा पहले से ही तैयार है और उसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है। हम सब लोग इस उम्मीद के साथ नई पारी शुरू करेंगे कि मोदी जी से ही लोगों को उम्मीद है कि वो आत्मनिर्भर भारत भी बनाएंगे और एक विकसित भारत की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। आज मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़कर सभी लोग को आमंत्रित किया गया, और वहाँ के सभी के राष्ट्राध्यक्ष भी आज उसके साक्षी बनेंगे, और पूरे देश से हमारे कार्यकर्ता लोग, जिन्होंने जीतों और मेहनत की है, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है, वो लोग भी इसके साक्षी बनेंगे। हम सभी का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को और NDA सरकार में शामिल सभी अपने माननीय मंत्रियों को कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर, क्योंकि मैं नोएडा से जब निकल रहा था तो कई ऐसे लोग कह रहे कि आज दिवाली के तौर पे हम सेलिब्रेट करेंगे, आज इतनी खुशी है, इतना उत्साह है मोदी जी को तीसरी बार शपथ देखते हुए। होली और दिवाली साथ साथ सेलिब्रेट करें, अच्छी बात। ये थे हमारे साथ मंत्री सुरेश खन्ना जी, उन्होंने बताया किस तरीके से जो PM मोदी है तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और जनता में कितनी खुशी है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।